हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सेल के अंदर सीखें ग्रुप पीवट टेबल आइटम्स। इसके अंदर हम दो कंसेप्ट कवर करेंगे, ग्रुप आइटम्स और ग्रुप डेट्स। फ्रेंड्स, मैंने पहले से यहाँ पर एक पीवट टेबल तैयार करके रखी है। पीवट टेबल कैसे तैयार करते हैं ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। मैं इस टेबल के अंदर जो मेरा डेटा है 6 कंट्री से रिलेटेड है, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएसए। मैं इन कंट्रीज को 3 ग्रुप्स में बांटना चाहती हूँ। मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को फर्स्ट ग्रुप के अंदर, इंडिया और नेपाल को सेकंड ग्रुप के अंदर और यूके और यूएसए को थर्ड ग्रुप के अंदर डालना चाहती हूँ। इन आइटम्स की ग्रुपिंग कैसे की जाए आइए सीखें। अफगानिस्तान पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल को प्रेस करते हुए मैं साथ में पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद पीवट टेबल टूल्स में ऑप्शन के अंदर ग्रुप सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन पर क्लिक करते ही देखो मेरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्री ग्रुप 1 के अंदर चले गए। ऐसे ही आइए सेकेंड और थर्ड ग्रुप बनाएं। मैंने इंडिया को क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने नेपाल को सिलेक्ट किया। या हम सेकेंड ऑप्शन राइट क्लिक को भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर भी हमारे पास ग्रुप की ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप पर क्लिक करते ही देखो इंडिया और नेपाल का सेकंड ग्रुप क्रिएट हो गया। आइए इसी तरीके से नेपाल, यूके और यूएसए का भी ग्रुपिंग कर दें और हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पर ग्रुप, और ये देखिए मेरी टेबल में 3 ग्रुप्स बन गए। ग्रुप 1 अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, यूके और यूएसए। हम इन कंट्रीज को अगर डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो मैं ये ग्रुप के साथ जो माइनस का साइन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। तो देखिए सर ओनली ग्रुप 1 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ग्रुप 2 पर और हम ग्रुप 3 पर भी क्लिक कर देते हैं। तो देखिए मेरा डेटा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 वाइज दिखाई दे रहा है। इस तरह हम अपनी आइटम्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। आइए इस पिवट टेबल को डिलीट करें। डिलीट करने के लिए क्या करना है हमें याद है, हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। कहीं भी क्लिक कीजिए और ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट के अंदर एंटायर पिवट टेबल और कीबोर्ड से हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए मेरी टेबल डिलीट हो गई। आइए सीखें ग्रुप डेट्स। तो सबसे पहले हम एक पिवट टेबल तैयार करेंगे जो डेट्स वाइज डेटा शो करेगी। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, और हमारे पास क्रिएट पिवट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन है। हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही लोकेशन किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने H14 सेलेक्ट कर लिया। ओके करते हैं। ओके करते ही मेरे पास पीवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई। मैं यहाँ पर डेट वाइज एक टेबल तैयार करती हूँ। रो लेवल्स एरिया के अंदर डेट फील्ड और वैल्यूज एरिया के अंदर मैं यूनिट्स को ड्रैग करके ड्रॉप करती हूँ। मेरे पास एक टेबल तैयार होगी जो मेरा डेटा बताता है। यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम में मेरा डेट्स और सेकंड में है यूनिट्स। मेरा बस जो डेटा है डेट वाइज है, डे बाय डे है, डे वाइज है। मैं इसको मंथ वाइज कन्वर्ट करना चाहती हूँ। किसी भी डेट पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप पे क्लिक कीजिए। ग्रुप पे क्लिक करते ही मेरे पास ग्रुपिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन है जो मेरा स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को दिखाता है। यहाँ पर मैं मंथ को सिलेक्ट कर लूंगी, ओके कर दूंगी। ओके करते ही देखिए मेरा जो डेटा है जनवरी टू दिसंबर मंथ वाइज क्रिएट हो गया। मैं इस टेबल को ईयर वाइज भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। आइए करके देखें ग्रुप के अंदर अगर मुझे ईयर्स और मंथ्स दोनों एक साथ दिखाने हैं कि पहले 2015 के अंदर मंथ का डेटा दिखाए और साथ में 2016 के भी मंथ दिखाए, तो मैं इन दोनों चीजों को मंथ्स और ईयर्स दोनों को क्लिक कर देती हूँ। ओके कर देते हैं। ओके करते ही देखिए मेरी टेबल तैयार हो गई जो पहले 2015 के अंदर डिफरेंट मंथ्स की सेल्स, 2016 के अंदर डिफरेंट मंथ्स की सेल्स को दिखाता है। एक बार फिर अगर हम सिर्फ इसके अंदर मंथ्स नहीं चाहते तो क्या करें, टेबल के अंदर राइट क्लिक किया, ग्रुप, हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन है, यहाँ पर मंथ्स को डीसेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करते ही देखो मेरे पास 2015 और 2016 का डेटा है। फ्रेंड्स, हमने आज सीखा
फाइव टेबल के अंदर आइटम्स को और डेट्स की ग्रुपिंग करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल का लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।